अब ये जो क्वेश्चन है 2003 में पूछा गया था, द फोकी ऑफ इलिप्स, एक इलिप्स दिया हुआ है और एक हाइपरबोला, आर कौन सा साइडेंट। तो पहले तो कौन सा साइडेंट का मतलब समझ लो इसमें, यही थोड़ा सा अगर आपको मतलब नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये जो वर्ड है। देखो पैरेलल लाइंस होती है, कॉन्साइडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चढ़ जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्साइडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती है ना। उसके बाद अपना कॉन्साइडेंट पॉइंट्स भी होते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट एक और आ जाता है तो उसको अपन कॉन्साइडेंट पॉइंट बोलते हैं। जैसे अपन ने एक रिजल्ट पढ़ा था, एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सारे के सारे एक ही पॉइंट होते हैं। ओ जी एच आई सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही सेंटर होता है जो अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स कॉन्साइडेंट होते हैं। तो कॉन्साइडेंट वर्ड का आपको मतलब पता चला होगा, एक के ऊपर एक मतलब दोनों फोकी जो है सेम है। तो पहला दिया हुआ है अपन को एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो एक इलिप्स है, इसकी फोकी ए वन ई वन में सपोज कर लेता हूँ कॉमा जीरो, तो जो ए वन की वैल्यू है वो तो क्या है, यहाँ पे 4 आपको नजर आ रही है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और जो ई वन होगा वो रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे कि सर 16 इज ग्रेटर देन बी या फिर बी इज ग्रेटर देन 16, ऐसा तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है ना। तो अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू देखो सारी की सारी 16 से छोटी है ना। तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी वाला ही केस हो रहा है, मतलब 16 बड़ा होगा। तो जो अपनी एसेंट्रिसिटी होती है उसमें अपन करते क्या है, छोटा ऊपर लिखते हैं, तो वही मैंने यहाँ किया है, बी स्क्वायर के ऊपर लिखा है। ओके नाउ दिस इज क्लियर। नाउ आवर हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको देखो ये 25 को आपको इधर 1 बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस हैं यहाँ पे अगर किसी ने 1 नहीं बनाया इधर। तो आई एम राइटिंग इट लाइक 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर है इसमें माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 मतलब 9 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया, इसकी जो फोकई होगी इसको मैं ए टू बोल देता हूँ कॉमा जीरो। अब जो ए टू की वैल्यू होगी वो तो 12 अपॉन 5 आपको दिख ही रही है, ये ए है। अब जो इसके लिए एसेंट्रिसिटी होती है ई टू इक्वल टू ई टू स्क्वायर इक्वल टू 1 माइ प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होती है। तो ई टू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो मैं सीधा ही 9 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो अगर ई टू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 81 अपॉन 5 अपॉन यहाँ पे 12 का स्क्वायर बचेगा, 5 स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट, ये 12 का स्क्वायर है। तो 144 ई टू स्क्वायर इक्वल टू 225 अपॉन 144 हो जाएगा ये। तो ई टू इक्वल टू पॉजिटिव वाली वैल्यू अपन लेंगे यहाँ पे होगी 15 का स्क्वायर है अपॉन 12 का स्क्वायर है। ओके तो ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। अब दोनों के दोनों कॉन्साइडेंट पॉइंट है, मतलब ए वन ई वन इक्वल टू ए टू ई टू होगा यहाँ पे, दोनों को सेम करोगे आप यू विल गेट योर रिजल्ट। तो 4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू ए टू की वैल्यू 12 अपॉन 5 इंटू 15 अपॉन 12, तो 5 ये 3 बार और ये 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर कर दो तो वी विल गेट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू यहाँ पे 3 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 9 अपॉन 16 है ना। मैं इस 4 को भी डिनोमिनेटर में लेके आ गया। सो 1 माइनस 9 अपॉन 16 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16, तो ये 7 अपॉन 16 बचेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। काफी इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक अगर आपको याद है कॉन्साइडेंट क्या होता है, असेंट्रिसिटी के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, देन यू कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन।